Okay, so let's start with new chapter, and this is the last chapter for us. 14th chapter हमने पहले लिया है, तो 13th chapter हम अभी लेने वाले हैं. So this chapter is basically electromagnetic waves. And communication systems. So basically, what we will be learning in this particular chapter? सबसे पहले हम what is electromagnetic wave पहले वो देखेंगे. Then हम लोग characteristics देखेंगे electromagnetic waves के. Then we will see what is a full electromagnetic spectrum. मतलब जैसे आपको पता होगा कि electromagnetic spectrum में there are parts. You have starting from gamma ray. Gamma है, उसके बाद X-ray है, ultraviolet है, visible है, and then infrared, and then IR and so on so forth. Okay. तो हम पूरा स्पेक्ट्रम अच्छे से देखेंगे, हम समझेंगे कि हर एक स्पेक्ट्रम के हर एक पार्ट में, जैसे यूवी है, विजिबल है, एक्सरे है, उसका प्रोडक्शन मेथड क्या होता है, उसका यूज कहाँ होता है, उसका एनर्जी रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ तक एनर्जी है, उसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, उसका वेवलेंथ का रेंज क्या है. एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस चैप्टर. एंड अगेन आई एम सेइंग, इवन इफ सम पार्ट is deleted for this year, reduced है, लेकिन मैं लेने वाला हूँ, because it is quite interesting to know how different electromagnetic waves, different मतलब एक particular spectrum के region में, part में, जैसे UV को produce कैसे करते हैं, infrared को produce कैसे करते हैं, X-ray को produce कैसे करते हैं, production नहीं तो कम से कम उसका uses क्या है, ये पता होना चाहिए आपको, right? Then we will see How do these waves propagate? क्योंकि ये जो waves है हम लोग communication system में use करते हैं. जैसे आप मुझे सुन पा रहे हो, because you are receiving radio waves on your mobile phone, if you are connected on mobile phone now. तो radio signals satellite के through आपके पास आ रहे हैं. So of course you should know how do we send these signals. क्योंकि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, signal यहाँ से satellite पे पहुंचेगा, satellite रिसीव होके सैटेलाइट वापस ट्रांसमिट करेगा और आपके मोबाइल पे रिसीव होगा. सो दिस इज वेरी क्विक, क्योंकि इट इज कमिंग टू यू विद अ डिले ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. इतना फास्ट है कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ, इमीडिएटली आप मुझे सुन पा रहे हो वहां पे, राइट? तो ये जो वेव्स है ये प्रोपोगेट कैसे होते हैं, हाउ दिस वेव्स आर प्रोपोगेटेड, वो हमको देखना है, राइट? देन देर आर सम characteristics, या फिर मैं बोलूंगा basically there are some properties which are related to this signals. जैसे signal क्या होता है, transducer क्या होता है, receiver क्या होता है, etc. etc. modulation क्या होता है, तो we will see this. amplification क्या होता है, जैसे आप if you listen to radio तो आप FM AM सुना होगा, तो AM stands for amplitude modulation and FM stands for frequency modulation. तो ये सारे टर्म्स क्या है, वी विल सी दिस. सो इन शॉर्ट, जस्ट टू टेल यू इन शॉर्ट कि इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन सा रीजन है, मतलब स्पेक्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम गामा, देन एक्स, देन यूवी, देन विजिबल, देन इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, सो ऑन सो फोर्थ. उसके यूजेस क्या है, then इस waves का propagation कैसे होता है, how they reach from one point to another point, signal से related कौन कौन से physical quantities है, modulation क्या होता है, amplification क्या होता है, in short we will see all this in this particular chapter. So to start off with, just to give you a brief introduction, so basically हम जिस century में है अब, right? इस सेंचुरी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन एज. सो वी लिव इन एन एरा ऑफ इंफॉर्मेशन.
हाँ, बहुत सारा आपने सुना होगा, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारे इस पर्टिकुलर एरा में, हम जिस सेंचुरी में है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न टू नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। व्हाई? बिकॉज एज आई टोल्ड यू, मैं बोल रहा हूँ घर पे बैठ के और आप सुन पा रहे हो, लाइव क्लासेस चल रहे हैं यहाँ पे, राइट? तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड बिकॉज यू आर कनेक्टेड ऑन मोबाइल फोन्स, इट इज बिकॉज इट इज ड्यू टू रेडियो सिग्नल्स दैट यू कैन हियर मी, यू कैन सी स्क्रीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेल फोन्स, टेलीविजन, रेडियो सेट्स, माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में हम लोग जो खाना गर्म होता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, तो दे आर इम्पोर्टेंट। फ्रैक्चर हो गया, एक्सरे निकालने जाते हो, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो हम इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, राइट? तो वी यूज इट अलॉट इन आर डे टू डे लाइफ। बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इसका, और हमको सिर्फ इतना ही पता है फॉर द टाइम बीइंग। एक्सरे हम लोग बॉडी का फ्रैक्चर, मतलब बोन्स के फ्रैक्चर के लिए यूज करते हैं, बट इन रियलिटी बड़े बड़े ऑटोमोबाइल्स, बड़े बड़े एरोप्लेन के बॉडीज, शिप के बॉडीज, उसमें भी अगर क्रैक है, फ्रैक्चर है, तो उसके लिए भी हम लोग एक्सरे का यूज कर सकते हैं, डिटेक्ट दो फ्रैक्चर, राइट? इन द नाइट स्काई जब हम स्टार्स को देखते हैं, गैलेक्सीज को देखते हैं, तो वहां से भी जो रेडिएशन आ रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, सो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आर, और वेव्स और रेडिएशंस, दे आर ऑल अराउंड यू, एंड हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी टू नो एग्जैक्टली व्हाट आर ईएम वेव्स एंड व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स, राइट? तो आई विल नॉट राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि इट इज नॉट रियली इम्पॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। तो आई विल स्टार्ट विथ वॉट इज ई एम वेव। आपको पता होना चाहिए ई एम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, ओके? तो इसलिए इसको ई एम वेव बोलते हैं। बिफोर आई गो अहेड विद दिस, आई विल जस्ट शो यू अ फिगर विच परफेक्टली रिप्रेजेंट्स विच इज इन फैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एज यू कैन सी इन दिस फिगर, यहां पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताई गई है। तो एज यू सी, यू हैव दिस इन द ब्लू इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, और इन द रेड यू हैव मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एंड दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। मतलब अगर मैं बोलता हूं कि ये जेड एक्सिस है, मतलब वेव इज मूविंग इन जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, राइट? और मैं बोलता हूं कि ये अगर एक्स एक्सिस है, सो लेट मी से इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, एंड देन दिस इज वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस अलोंग एक्स एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग वाई एक्सिस है, और वेव जो है वो जेड डायरेक्शन में ही प्रोपोगेट हो रहा है। ओके, सो अ वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और आपने पहले ही दो टाइप के वेव्स आपको पता है, एक तो ट्रांसवर्स होता है जिसमें वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है जिसमें डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज पैरेलल टू दैट ऑफ प्रोपोगेशन। तो दिस वेव, एज यू कैन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग अलॉन्ग एक्स, वेव इज प्रोपोगेटिंग अलॉन्ग जेड, मैग्नेटिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग अलॉन्ग वाई, एंड वेव इज प्रोपोगेटिंग अलॉन्ग जेड डायरेक्शन। तो दिस इज ट्रांसवर्स वेव। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, रेडिएशन होते हैं, दीज आर ट्रांसवर्स वेव्स। ओके, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। देन क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो भी है और मैग्नेटिक भी है, तो इसका मतलब एज यू ऑल्सो सी कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स है, तो आपको सारे बेसिक लॉस पता होने चाहिए
which describe electric field, which describe magnetic field, and which describe the relation between electric and magnetic field. So there are four basic laws, four laws which describe electric field, magnetic field, and the relation between them. All right. So सबसे बेसिक चीज, डोंट वरी अबाउट नोट्स, नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू, आई विल बी एडिटिंग नोट्स एंड अपलोडिंग टू द सिस्टम. तो टू स्टार्ट ऑफ विद, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसका कंप्लीट फिजिक्स डिस्क्राइब करने के लिए हमको चार बेसिक लॉज पता होने चाहिए. पहला है कूलम्स लॉ, और हमने कूलम्स लॉ पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. तो कूलम्स लॉ हमको क्या बताता है? कूलम्स लॉ हमको बताता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैटिक चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक में था वो, राइट? सो इट गिव्स यू, इट टेल्स यू व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्टैटिक चार्ज, चार्ज एट रेस्ट, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इट. हमको पता है कि अगर एक चार्ज रेस्ट पे है तो एट अ डिस्टेंस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट चार्ज एट रेस्ट इज गिवन बाय 1/4πε0Q/r². तो बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है, दैट्स व्हाई वी शुड नो व्हिच इज द फंडामेंटल लॉ व्हिच डिस्क्राइब दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. तो कूलम्स लॉ गिव्स अस, बेसिकली इट गिव्स अस फोर्स, मुझे पता है इट गिव्स अस फोर्स. इट टेल्स यू दैट द फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक charges, मतलब two charges at rest is given by 1/4πε0Q1Q2r². उसी से electric field हम बना सकते हैं. हमने electric field का equation F/Q करके ही बनाया था. तो indirectly Coulomb's law हमको electric field देता है, right? So I'm repeating again, हमको अगर electromagnetic wave के बारे में सब पता करना है, basic physics पता करना है, तो basic लॉस पता होने चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करते हो और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट करते हो. तो सबसे पहला लॉ जो है, दैट इज कूलम्स लॉ, व्हिच गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दैट चार्ज. ओके, देन सेकेंड लॉ वी शुड नो, व्हिच इज गॉसेस लॉ ऑफ, या फिर गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म. And by the way, Coulomb's law को हम लोग Gauss law of electrostatic बोलते हैं. Coulomb's law is also known as Gauss law of electrostatic. वो आगे आपको 12th में समझेगा ही, और 11th में भी introduction हुआ है. Okay, Gaussian sphere draw किया था हमने, मैंने आपको Gauss law बताया था. So Coulomb's law is also known as Gauss law for electrostatics. You also have Gauss law for magnetism. This was not included this year for your syllabus, but just to tell you, आपको ये भी पता है. सिर्फ मैंने ये बताया नहीं था कि इसको गॉस लॉ बोलते हैं. आपको याद होगा जब हम मैग्नेटिज्म सीख रहे थे, तो I told you once, not once but many times, but what I said was कि magnetic monopole does not exist. मतलब सिर्फ नॉर्थ पोल सेपरेटली साउथ पोल सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं कर सकता है. तो मैग्नेटिज्म में हमेशा डायपोल ही एग्जिस्ट करेगा, अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस. इलेक्ट्रिक चार्जेस में यू कैन ओनली हैव पॉजिटिव चार्ज, यू कैन ओनली हैव नेगेटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रिक मोनोपोल, सिंगल पोल कैन एग्जिस्ट, बट मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट. दैट इज गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म. ओके, तो ये सेकेंड बेसिक लॉ है जो आपको मैग्नेटिज्म के बारे में कुछ बताता है. पहला हमने जो बात की वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से था, जो दूसरा का मैं बोल रहा हूँ दैट इज फॉर मैग्नेटिज्म. ओके, सो गॉस लॉ बेसिकली टेल्स यू दैट मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज ऑकर इन पेयर. मैग्नेटिक पोल्स डज नॉट ऑकर आइसोलेटेड, सिंगल नहीं हो सकता. ओके, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट. तीसरा, थर्ड लॉ विच इज इंपॉर्टेंट is Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's laws of, क्योंकि ये दो laws है, of electromagnetic induction. ये आप 12th में सीखोगे,
बट मैं आपको बेसिक लेवल बताऊंगा कि व्हाट इज फैराडेज लॉस, फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये है क्या। तो द थिंग इज व्हाट वी हैव लर्न सो फार, हमको पता है कि जब चार्ज रेस्ट पे है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ओके, व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द नियर बाय रीजन। जब चार्ज मूव होना स्टार्ट हुआ, मतलब करंट, व्हेन एवर चार्ज स्टार्ट मूविंग वी से हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज करंट। मतलब जब भी करंट है तो वो करंट या फिर मूविंग चार्जेस दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। और हमने देखा है ये, जब हम मैग्नेटिज्म चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली, तो उसमें मैंने बताया था व्हेन एवर चार्जेस स्टार्ट मूविंग, मतलब व्हेन एवर देयर इज करंट यू हैव मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब यह है कि मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑब्वियसली काउंटर क्वेश्चन आना चाहिए, है ना। मतलब ये सिर्फ मैं एक लूज एनालॉजी दे रहा हूं, इसका हमारे टॉपिक के साथ कोई रिलेशन नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू लूजली, मैं किसी की हेल्प कर रहा हूं और वो मेरी हेल्प करेगा कि नहीं, वेदर इट इज टू वे कम्युनिकेशन और नॉट, इन शॉर्ट। ओके, तो अगर मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट जनरेट कर सकता है विदाउट अप्लाइंग बैटरी। मेरे पास एक लूप है, मेरे पास एक वायर है, मैंने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की है, नथिंग। व्हाट वी नो इज अगर मैं इसमें से करंट पास करता हूं, मतलब विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी इफ आई पास अ करंट, तो डेफिनेटली जब करंट है तो चार्जेस मूविंग है, चार्जेस मूविंग है तो दे जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड, सो दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, सो जब मैं करंट पास करूंगा तो ये करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दिस इज वी व्हाट वी ऑलरेडी नो। अब काउंटर क्वेश्चन ये है कि मैंने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट नहीं की, मैंने यहाँ पे करंट सर्कुलेट नहीं किया, कैन आई इंड्यूस करंट विदाउट बैटरी, विदाउट सेल, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो मूविंग चार्जेस मूविंग करंट, मतलब मूविंग चार्जेस मतलब करंट, सो मूविंग चार्जेस करंट डू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। सो कैन मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो प्रोड्यूस करंट। तो यस, क्या होता है कि अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है, लेट अस से वी हैव अ बार मैग्नेट, मैं बार मैग्नेट ऐसे ही ले रहा हूं, आई कैन सी दिस सम मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड है, बट बार मैग्नेट से इजीली समझता है हमको। अब बार मैग्नेट है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। वी ऑलरेडी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एट साउथ, समथिंग लाइक दिस। ओके, समझ लेना, इंटरसेक्ट नहीं होते हैं वो, लेकिन अगर हो गए तो समझ लेना। आई जस्ट लूजली ड्राइंग ऑल दिस फिगर, सो राइट। तो क्या होगा इफ देयर इज रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन मतलब अगर कॉइल मैग्नेट के रिस्पेक्ट से, रिलेटिव टू मैग्नेट अगर कॉइल मूव हो रहा है। मैं रिलेटिव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैग्नेट भी मूव हो सकता है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि कॉइल को ही मूव होना है, एनी वन ऑफ दिस। ओके, इफ इट्स ओके ओनली इफ कॉइल इज मूविंग, इट इज ओके ओनली इफ मैग्नेट इज मूविंग, इट्स ओके इफ बोथ आर मूविंग। ओके, तो देखो जब भी कॉइल या मैग्नेट या दोनों मूव होंगे तो क्या होगा, ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू दिस लूप, ना आपको याद होना चाहिए कि हमने मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन कैसे किया था, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया वॉज फ्लक्स। तो जैसे ही कॉइल मूव हुआ तो देखो फ्लक्स चेंज हो रहा है, पहले जीरो फ्लक्स था, जीरो फ्लक्स था, जीरो फ्लक्स था, फिर फ्लक्स बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, एंड सो ऑन। तो जब भी इसको बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज, लिंकेज मतलब लिंक्ड बेसिकली, तो फ्लक्स फ्लक्स लिंकेज या फिर फ्लक्स एसोसिएटेड। ओके, तो वेन एवर फ्लक्स एसोसिएटेड, फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल चेंजेस, देन एन करंट, अ करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल। जब भी फ्लक्स
लिंक्ड विद द कॉइल चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा. तो व्हाट आई विल डू इज मैं थोड़ा अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ आपको, सो इट इज मोर क्लियर. मेरे पास ये एक बार मैग्नेट है, दिस इज बार मैग्नेट एंड वी हैव फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स समथिंग लाइक दिस, मोर ऑर लेस लाइक दिस. ओके जस्ट अ मिनट. Yeah, something like this. Good. So, यहाँ पे और फील्ड लाइन्स है, so on so forth. Okay? तो जब भी कॉइल मूव होगा तो जैसे जैसे कॉइल मूव हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेट, देखो पहले एक भी लाइन नहीं थी जो इस कॉइल से पास हो रही है. Now there is a line which is passing. अब flux और बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते जा रहा है. तो जब जब flux linked with the coil changes, there is a current induced in the coil. तो जैसे current magnetic field produce करता था, वैसे ही change in magnetic field current produce करता है. And that is Faraday's law of electromagnetic induction. There are two laws. मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको, मैंने आपको बेसिक बताया है क्योंकि डिटेल आपको ट्वेल्थ में पढ़ना है. ओके राइट. फोर्थ लॉ है एम्पियर्स लॉ. तो व्हाट इज एम्पियर्स लॉ? अब आपको याद होगा हमने गॉस लॉ सीखा था, और मुझे याद है कि मैंने सिखाया है क्योंकि मैंने टेस्ट में भी पूछा है उसके ऊपर क्वेश्चन, एमसीक्यू मैंने पूछा था. व्हाट वाज गॉस लॉ? गॉस लॉ ये था कि अगर मेरे पास एक स्पीयर है, कंडक्टर है बेसिकली, इसका रेडियस कैपिटल आर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है मान लेते हैं, और हमको एक पॉइंट, किसी एक पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. कूलम्स लॉ जो था वो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमको देता है, लेकिन यहाँ पे चार्ज पॉइंट में नहीं है, यहाँ पे चार्ज एक स्पीयर के ऊपर है. तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग गॉस लॉ का यूज करते हैं. तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग मान लो कंडक्टिंग स्पीयर के सेंटर से डिस्टेंस है आर. तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमको क्या करना होता है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जिस शेप का कंडक्टर हो, कंडक्टर कौन से शेप का है? स्फेरिकल. उसी शेप का एक इमेजिनरी स्पीयर ड्रॉ कर लो, इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर लो. क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर स्पीयर था तो मैंने ये इमेजिनरी सरफेस भी स्पीयर ड्रॉ कर लिया, जिसको मैं बोल रहा हूं गॉशियन स्पीयर या गॉशियन सरफेस. तो इफ यू रिमेम्बर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते हैं. देखो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज राइट. तो दूर जाएंगे मतलब कहां जाएंगे? दे विल गो लाइक दिस रेडियली आउटवर्ड्स. दे विल गो रेडियली आउटवर्ड्स. तो ये जो रेडियल लाइन जो गॉशियन स्पीयर से क्रॉस हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स. मैंने डिफाइन किया था फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू area perpendicular to it was defined as flux. तो अगर आपको याद होगा आप लिखते हो गॉस लॉ, इंटीग्रेशन ओवर e बार डॉट डी एस बार इक्वल टू चार्ज enclosed by epsilon zero. And this integration e बार डॉट डी एस बार इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो ये सॉल्व करके हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकता है, और वो वापस से ट्वेल्थ का पार्ट है. तो इलेवेंथ में सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि गॉस लॉ क्या है. ओके तो गॉस लॉ क्या है? गॉस लॉ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देता है. किसका? एक्सटेंडेड चार्जेस का, पॉइंट चार्ज का नहीं, एक्सटेंडेड चार्जेस का. वायर पे चार्ज है, स्पीयर पे चार्ज है, थिन पेपर है उसके ऊपर चार्ज है, मतलब थिन प्लेन पे चार्ज है. सिमिलरली एज यू ऑलरेडी नो
हमारे पास अगर एक वायर है, वायर में से अगर करंट है, राइट, तो आपको ऑलरेडी पता है करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे हमने यहाँ पे एक आर डिस्टेंस पे, पी पॉइंट पे, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की है, वैसे ही हम पी पॉइंट पे एट अ डिस्टेंस ऑफ आर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, क्योंकि मूविंग चार्जेस करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो जैसे यहाँ पे हमने एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर लिया था, गॉसियन स्फीयर, वैसे ही यहाँ पे आप एक इमेजिनरी लूप ड्रॉ करते हो, इसको बोलते हो एम्पेरियन लूप। एम्पेरियन लूप, एम्पेरियन लूप। तो जैसे गॉस लॉ में आपने चार्ज को क्लोज किया था, सब साइड से एनक्लोज किया था, यहां पे आप करंट को एनक्लोज कर रहे हो। तो एग्जैक्टली सिमिलर, जैसे यहाँ पे आप लिखते हो इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार ओवर सरफेस, यहाँ पे आप लिखते हो इंटीग्रेशन ई बी बार, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, डॉट डी एल बार ओवर सम लेंथ एलिमेंट। तो क्लोज लूप है इसलिए मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, क्लोज लूप है इसलिए सर्कल ड्रॉ किया। और डी एल क्यू क्यू, क्योंकि ये लूप है और लूप कैन बी अज्यूम टू बी मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल लेंथ एलिमेंट। ये स्मॉल स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी एल से बना है, जैसे स्पीयर स्मॉल स्मॉल सरफेस डी एस से बना था इसलिए यहाँ पे डी एस लिखा था, वैसे ही लूप जो है स्मॉल स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी एल से बना है इसलिए मैंने डी एल लिखा है यहाँ पे। ओके, दिस इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे चार्ज एनक्लोज है, यहाँ पे करंट एनक्लोज है, अपॉन एप्सिलॉन जीरो है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय म्यू जीरो है, राइट। ओके, तो बाय द वे यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, दिस विल अपियर अगेन इन 12th, और वैसे भी 11th के सिलेबस में ये इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। आई एम जस्ट टेलिंग यू सो दैट यू कैन कनेक्ट, यू कैन इमेजिन कि मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एम्पियर्स लॉ क्या होता है, फैराडेस लॉ क्या होता है, राइट। गुड, तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात करनी है। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एज यू सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है और ये दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव को भी परपेंडिकुलर है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में वाइब्रेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वाई में, तो वेव जेड एक्सिस में आगे जा रहा है, तो वेव इज गोइंग इन डायरेक्शन ऑफ जेड। तो इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करने वाले बेसिक लॉज आपको पता होना चाहिए। ओके, तो चार बेसिक लॉज है। एक तो है गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैंने अभी भी बता दिया, दिस इज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, या फिर आप बोल सकते हो कूलम्स लॉ। बेसिकली गॉस लॉ है या कूलम्स लॉ है, ये आपको चार्ज और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन देता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई। फिर जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं सिंगल चार्ज की बात कर सकता हूँ, सिंगल इलेक्ट्रिक पोल की बात कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं मैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूँ, मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो मैग्नेटिक मोनोपोल मतलब सिर्फ नॉर्थ पोल सिर्फ साउथ पोल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये किसने बताया? ये गॉस लॉ ने बताया हमको, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। देन वॉट वी हैव लर्न इन 11th स्टैंडर्ड, हमको ये पता है कि जब भी चार्जेस मूव होंगे, वेन एवर चार्जेस स्टार्ट मूविंग, दे जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मतलब करंट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन सराउंडिंग रीजन। तो क्या उल्टा भी पॉसिबल है? कैन मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो जनरेट करंट्स? यस दे कैन, एंड दैट इज गिवन बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, राइट। तो एंड देन लास्ट लॉ दैट गिव्स यू मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, जैसे गॉस लॉ आपको देता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, वैसे ही
एम्पियर्स लॉ आपको देता है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। तो ये चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ओके? ये चार इंपॉर्टेंट लॉज हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होते हैं, राइट? नाउ एक छोटा सा यहाँ पे करेक्शन है, हमारे लिए छोटा है, जब करेक्शन हुआ था तब बहुत बड़ा था, ओके? तो तब एम्पियर लॉ, जब एम्पियर्स का लॉ, एम्पियर ने लॉ बनाया ये, तो ही सेड दैट मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय करंट्स। हमको पता है ना, व्हेनेवर देयर आर मूविंग चार्जेस देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। बट मैक्सवेल ने थोड़ा रिसर्च किया इस पे एंड ही सेड कि दिस इज पार्शियली करेक्ट, हाफ ट्रूथ है ये, विच इज ऑफकोर्स डेंजरस, कोई भी फील्ड में हो हाफ ट्रूथ इज डेंजरस, ओके? तो मैक्सवेल सेड कि यस दैट इज ट्रू कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, सही बात है, लेकिन अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं दो वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रिक करंट्स डू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ट्रू, बट चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं उसको कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा हूं, सो आई डो नॉट हैव इलेक्ट्रिक करंट बट आई हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आई एम चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर रहा हूं, तो वो जो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। सो मैक्सवेल ने एम्पियर लॉ में करेक्शन लाया, एम्पियर ने बोला कि मूविंग चार्जेस करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, बस बात खत्म। मैक्सवेल ने बोला कि सही है, बट इफ यू चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो, सो दोस वेरिएशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों? ये आप देख रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और आप देख रहे हो यहाँ पे जो ब्लू में है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, लाइक दिस। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट हो रहा है। कैसे ऑसिलेट हो रहा है, तो इफ यू सी यहाँ पे जीरो वैल्यू थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, फिर नेगेटिव साइड में बढ़ती गई और फिर वापस कम हो रही है, फिर वापस जीरो पे आ रही है, फिर मैक्सिमम हो रही है, फिर कम हो रही है, जीरो हो रही है, फिर नेगेटिव साइड में मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव साइड का मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर नेगेटिव साइड का मैक्सिमम। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग है, ओके? तो अभी ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसको, तो ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हुआ वो भी देखेंगे हम लोग। बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड डू प्रोड्यूस ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट होगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेटिंग होगा। तो ये जो आप रेड कलर में देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड, इट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ, इट इज बिकॉज ये जो मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेटिंग है, ये इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग था। मतलब ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने प्रोड्यूस किया। तो मैक्सवेल ने एम्पियर लॉ में एक करेक्शन लाया। तो इसलिए जो भी चार इक्वेशन, ये चार लॉ है ना, दिस आर फोर लॉज, 1, 2, 3 एंड 4, इसका मैथमेटिकल फॉर्म हमको जरूरत नहीं है फिलहाल। तो ये मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने करेक्शन लाया, किसमें करेक्शन लाया, एम्पियर लॉ में करेक्शन लाया। लेकिन ये जो चार बेसिक लॉस है, कूलम्स लॉ, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, फैराडेज लॉ और एम्पियर्स लॉ, इसको कलेक्टिवली इन चारों को मिला के हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब से मैक्सवेल्स इक्वेशन बोलते हैं इसको, राइट? तो देयर आर फोर मैथमेटिकल इक्वेशन डिस्क्राइबिंग दिस फोर लॉज, ओके? एंड दोज फोर आर कॉल्ड एज मैक्सवेल्स इक्वेशन, ऑलराइट?
गुड, तो यहां तक आपको समझना जरूरी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर पढ़ना है, उसको समझना है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या है, ये पता होना चाहिए। और ये चार लॉज हमको बताते हैं, और इन चारों लॉज में से जो एम्पियर लॉ है उसमें करेक्शन किया मैक्सवेल ने। तो ये जो चारों लॉज का मैथमेटिकल फॉर्मूला बनेगा, वन फॉर ईच लॉ, दैट विल बी कॉल्ड एज मैक्सवेल्स इक्वेशन। गुड, यहां तक को समझ गया है, दिस इज माय अजम्पशन। नाउ आई विल जस्ट डिलीट दिस और मे बी आई कीप दिस, ठीक है, मतलब एनीवेज नोट्स में तो जाएगा नहीं, सो to delete this. Now, next thing is, हमको ये देखना है what is the source of electromagnetic wave. So, what are sources of electromagnetic waves? Or it can be best explained with the help of this figure. ये figure आपको electromagnetic wave का source बता सकती है। कैसे? So it is pretty simple. Just a minute. Okay. तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी, मैंने अभी भी बताया कि मैक्सवेल्स थ्योरी क्या था। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी, जब भी एक्सीलरेटेड चार्ज होता है, फिर वो चार्ज इलेक्ट्रॉन, नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं, बट एनी चार्ज, एनी एक्सीलरेटेड चार्ज बोल रहा हूं मैं, एनी मूविंग चार्ज नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मोशन में है तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी हो सकता है, अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हुआ तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एनी एक्सेलरेटेड चार्ज, मतलब उस चार्ज का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी, एनी एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस, एज यू नो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एनी एक्सेलरेटेड चार्ज, आपने अगर बोल दिया एनी मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस जस्ट मैग्नेटिक फील्ड, ओके, सो व्हेन चार्जेस आर एक्सेलरेटेड दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो कैसे? मैं मान लेता हूं मेरे पास एक चार्ज है, और आपको थोड़ा सा लिंक करना पड़ेगा, प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक है तो आपको इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा खुद का। व्हाट वी नो, व्हाट वी हैव लर्नड, हमको पता है कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज एट रेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय समथिंग लाइक दिस, ओके, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। नाउ इफ आई हैव चार्ज विच इज ऑसिलेटिंग, ये चार्ज ऑसिलेट हो रहा है बेसिकली, राइट, ऑसिलेटिंग चार्ज, तो चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एट रेस्ट produces only electric field. मैं वापस बोल रहा हूँ, charge at rest produces only electric field. But when charge is oscillating, electric field is also oscillating. So oscillating charge, और आपको पता होना चाहिए और आप 12th में सीखोगे, oscillatory motion, vibrational motion, ये accelerated motion होता है। क्यों? सिंपल सी चीज है, मेरे पास, मैं खुद का example ले लेता हूँ। I am the one who is walking from point A to point B. Okay? मैं point A से start करके B पे गया, वापस A पे आना है, वापस A पे आना है तो रुकना रुकना पड़ेगा ना, direction change करनी पड़ेगी ना, 180 degree से change होना पड़ेगा, तो A पे और B पे velocity zero होता है, B पे velocity zero हो गया, फिर वापस A पे आना है तो velocity बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, A पे वापस stop करना है, मतलब वेलोसिटी कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा और हम आके रुक जाएंगे, फिर वापस से हमको बी पे जाना है तो हम विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग अगेन,
एक्चुअली बढ़ने लगेगा बढ़ने लगेगा बढ़ने लगेगा एंड देन इट विल अगेन स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन. तो एनी ऑसिलेटरी मोशन इज एक्सिलरेटेड मोशन, ये समझना जरूरी है. तो अगर मेरे पास एक ऑसिलेटिंग चार्ज है, पहले बात तो चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके. अब चार्ज ऑसिलेट हो रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट हो रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. एक्सेलेंट, राइट. तो मैंने आपको कुछ मिनट्स पहले बताया था कि ये जो ब्लू वेक्टर्स है मतलब ये जो ब्लू वेव है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैसे प्रोड्यूस होता है वो बताऊंगा. तो बता दिया मैंने आप, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वन इन द ब्लू, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज. तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. तो लिंक करो, चार्ज अगर ऑसिलेट हो रहा है तो वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रोड्यूस कर रहा है. ओके okay? मैं इसको सीक्वेंस में लिख देता हूं. ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड द वन इन द रेड. ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन. फिर वापस से ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. तो ये चलता रहेगा फिर, दिस विल कीप गोइंग. एंड दैट इज व्हाई, दैट इज हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड, राइट. तो सारा खेल स्टार्ट होता है ऑसिलेटिंग चार्जेस से. तो दिस इज हाउ यू कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. गुड. नाउ नाउ द थिंग इज, अब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट तो हो गया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होंगे. तो लेट्स हैव अ लुक एट दोज कैरेक्टरिस्टिक्स. सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. वन, एज यू कैन सी फ्रॉम फिगर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, राइट. सो ई एंड बी आर परपेंडिकुलर टू इच अदर एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज अ म्यूचुअली परपेंडिकुलर. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स, आर ट्रांसवर्स वेव्स. पॉइंट नंबर टू, अगर आपको वेक्टर्स याद है तो मैंने बताया था ये अगर ए बार है, ये अगर बी बार है, तो ए बार क्रॉस बी बार ये इन दोनों को परपेंडिकुलर होता है. मतलब ए बार क्रॉस बी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार एंड ऑल्सो टू बी बार. सिमिलरली ई बार क्रॉस
बी बार मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर गिव्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, गिव्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देख सकते हो फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस, मैंने इसको एक्स एक्सिस बोला था, ये एक्स एक्सिस है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज अलोंग वाई एक्सिस एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज जेड एक्सिस, राइट। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बार एंड बी बार गिव्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ई एम वेव, प्रॉपर्टी नंबर टू था ये। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर थ्री, एज यू कैन सी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों साइन वेव्स है, सो दिस बोथ आर ऑसिलेटिंग साइनोसॉइडली। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स वेरी एज साइन वेव्स, ई बार एंड बी बार बोथ वेरी एज साइन वेव्स, इसको साइनोसॉइडल वेरिएशन बोलते हैं। ओके देन व्हाट वाज़ द बेसिक सोर्स, ऑसिलेटिंग चार्ज, क्योंकि मतलब एक्सिलेटेड चार्ज, चार्ज एक्सिलेट हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो मैग्नेटिक फील्ड आया। सो सोर्स, बेसिक सोर्स इज एक्सिलेटेड चार्ज पार्टिकल। सो ईएम वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, राइट, या तो फिर जस्ट एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसा बोल सकते हो। ओके देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके अब हमको यह भी पता होना चाहिए कि ईएम वेव्स कहाँ कहाँ से पास हो सकता है, कहाँ कहाँ से मतलब सॉलिड से, लिक्विड से, गैसेस से, तो ये तीनों में प्रोपोगेट हो सकता है। सो ईएम वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू फ्री स्पेस एज वेल एज सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, क्योंकि साउंड वेव्स विच आर लॉन्गिट्यूडनल वो उसके लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, दे कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम, लेकिन ये ईएम वेव्स जो है दे कैन प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम। सो ईएम वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू फ्री स्पेस एंड ऑल्सो वाया एज वेल एज थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ऑफ कोर्स स्पीड विल चेंज, जब गैस से लिक्विड में जाएगा तो स्पीड चेंज होगा, लिक्विड से सॉलिड में जाएगा तो भी चेंज होगा। ओके हमने ऑलरेडी देखा है, आपको याद होगा डिस्पर्शन क्यों होता है, डिस्पर्शन इट इज बिकॉज लाइट, वाइट लाइट विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, व्हेन इट एंटर्स प्रिज्म ईच कलर ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड। ओके देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फ्री स्पेस में इसका वेलोसिटी कितना हमको पता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सो इन फ्री स्पेस मतलब इन वैक्यूम स्पीड ऑफ ईएम वेव इज गिवन बाय, आपको पता होना चाहिए ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड वैल्यू आई कहां से। तो यू शुड नो इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, 1/√(μ0)₀। तो आपको अगर पता है म्यू जीरो की वैल्यू होती है 4π×10⁻¹। एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻¹⁰ और 8, आई डोंट रिमेम्बर रियली, पर जो भी होगा आई थिंक 11 इज करेक्ट। इसको मल्टीप्लाई करोगे, उसका रूट लोगे, फिर उसका रेसिप्रोकल लोगे, तो दैट टर्न्स आउट टू बी रफली रफली 3×10⁸। तो ये इससे आता है,
where mu zero is permeability of free space, epsilon zero is permittivity of free space. So this is a formula of speed of light in vacuum. तो वैक्यूम में तो 3 इंटू 10 पावर 8 है, हमको पता ही है, लेकिन मैंने अभी बोला जब मटेरियल चेंज होगा, जैसे प्रिज्म में लाइट गया तो उसका स्पीड चेंज हुआ, तो इन अ मीडियम स्पीड ऑफ ईएम वेव इज गिवन बाय वी m speed in that medium 1 upon under root of mu into epsilon, where mu is permeability of medium, epsilon is permittivity of medium, right? Free space के लिए mu mu zero बन जाता है, epsilon epsilon zero बन जाता है, but एक given medium के लिए उसकी value अलग होती है. Okay, right? Then number 8, it obeys EM waves obey principle of superposition. EM waves obey principle of superposition of waves. अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है, आई विल टेल यू इन डिटेल्स इन द नेक्स्ट सेशन. इसके बाद हमको 3-4 और कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, सो दैट विल गो इनटू नेक्स्ट सेशन. ओके, क्योंकि इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम नाउ. तो टू सम अप, हमने आज क्या क्या देखा. हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में ये देखा कि व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी आर यूजिंग इट अलॉट इन डे टू डे लाइफ फॉर टेलीफोन कम्युनिकेशन, मतलब फॉर सेल फोन कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन कम्युनिकेशन, फॉर टेलीविजन, फॉर इवन इन माइक्रोवेव्स, इवन एक्सरेज, हम लोग बहुत जगह पर यूज करते हैं. तो दैट इज व्हाई ईएम वेव्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस. फिर हमने देखा कि ईएम वेव्स को समझना है तो चार बेसिक लॉ पता होने चाहिए. कूलम्स लॉ, मतलब गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, फैराडेस लॉ, एम्पियर लॉ. एम्पियर लॉ में जो करेक्शन था वो मिला के, ये चारों लॉस मिला के हम उसको बोलते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस, राइट. देन वी सॉ व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑसिलेटिंग चार्ज, दैट्स इट. ओके, देन वी सॉ 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टुडे. More characteristics will go in the next session, and also I will immediately take some numericals tomorrow on whatever we have learned so far today. So we'll stop here for the day.